इस वीडियो में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स स्टडी करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स दो कंपैरिजन्स को कंबाइन करने के लिए यूज़ होता है, और बिल्कुल कंपैरिजन ऑपरेटर की तरह लॉजिकल ऑपरेटर्स का आंसर भी बूलियन होता है, मतलब ट्रू या फॉल्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन तरह के होते हैं, एंड, और एंड नॉट। इस वीडियो में हम जल्दी से ये तीनों ऑपरेटर्स स्टडी करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम इन तीनों की एग्जांपल्स स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का आंसर ट्रू होने के लिए ज़रूरी है कि इसकी दोनों साइड्स पे ट्रू हो। अगर दोनों वैल्यूज़ में से कोई एक भी फॉल्स हो जाए तो एंड का आंसर होता है फॉल्स। तो यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं लिखूँ ट्रू एंड ट्रू तो इसका आंसर होगा ट्रू, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो जाए तो आंसर होगा फॉल्स। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ट्रू एंड फॉल्स तो आंसर होगा फॉल्स, या अगर मैं लिखूँ फॉल्स एंड ट्रू तो आंसर होगा फॉल्स। और अगर ये दोनों फॉल्स होंगे तब भी आंसर होगा फॉल्स। तो एंड ऑपरेटर का आंसर ट्रू होने के लिए ज़रूरी है कि इसके दोनों साइड्स पे जो बूलियन है उसकी वैल्यू हो ट्रू। अब मैंने आपसे कहा था कि लॉजिकल ऑपरेटर्स दो कंपैरिजन्स को कंबाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो फर्स्ट करें कि पहला कंपैरिजन है 4 is greater than 2, और दूसरा कंपैरिजन है 5 is greater than 3। इन दोनों कंपैरिजन्स को कंबाइन करने के लिए मैं यूज़ करूँगी एंड ऑपरेटर, और इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू तब होगा जब इस वाले कंपैरिजन और इस वाले कंपैरिजन दोनों का आंसर होगा ट्रू। तो यहाँ पे 4 is greater than 2, Definitely 4 greater है 2 से, तो इसका आंसर है ट्रू। और 5 greater है 3 से, तो इसका आंसर भी है ट्रू। तो इसीलिए इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर होगा ट्रू। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो जाए, तो अगर मैं यहाँ पे 5 is greater than 3 की बजाय मैं लिखूँ 5 is less than 3, तो इस वाले कंपैरिजन का आंसर हो गया फॉल्स। तो इसलिए इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर होगा फॉल्स। तो ये तो हो गया एंड ऑपरेटर, जिसको ट्रू होने के लिए दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर। और लॉजिकल ऑपरेटर को ट्रू होने के लिए दोनों कंडीशंस में से किसी एक का ही ट्रू होना काफ़ी होता है। तो अगर मैं लिखूँ ट्रू और ट्रू तो इसका आंसर होगा ट्रू, लेकिन अगर मैं इन दोनों में से किसी एक को भी फॉल्स कर दूं, मतलब अगर मैं ट्रू और फॉल्स लिखूं, तो इसका आंसर भी ट्रू ही रहेगा। जब मैंने एंड ऑपरेटर यूज़ किया था तो इसकी दोनों साइड्स पर ट्रू होना ज़रूरी था, लेकिन और ऑपरेटर के लिए दोनों में से किसी भी एक साइड पर ट्रू होना काफ़ी होता है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर लिखूँ फॉल्स और ट्रू तो इसका आंसर भी होगा ट्रू। और ऑपरेटर फॉल्स सिर्फ तब होता है जब इसके दोनों साइड्स पे फॉल्स हो। तो अगर मैं लिखूँ फॉल्स और फॉल्स तो सिर्फ तब इसका आंसर होगा फॉल्स। तो इसके लिए हम यही वाली एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। अगर मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँ, तो जब मैं एंड ऑपरेटर यूज़ करूँगी तो इसका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि दोनों साइड्स पे कंपैरिजन का आंसर है ट्रू। और अगर मैं यहाँ पे और ऑपरेटर यूज़ करूँगी तो तब भी इसका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि दोनों साइड्स पे ट्रू है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह लेस देन कर दूँ तो इसका आंसर ट्रू ही रहेगा, फॉल्स नहीं होगा। जब मैंने एंड ऑपरेटर यूज़ किया था तो इसका आंसर फॉल्स हो गया था, क्योंकि इसकी दोनों साइड्स पे ट्रू होना ज़रूरी था। लेकिन यहाँ पे मैंने और ऑपरेटर यूज़ किया है, जिसका ट्रू होने के लिए
दोनों में से किसी एक का ही ट्रू होना काफ़ी होता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ट्रू। इसके बाद हम नॉट ऑपरेटर देखेंगे। नॉट ऑपरेटर एक यूनरी ऑपरेटर है और इसके लिए हमें सिर्फ एक कंपैरिजन काफ़ी होता है। तो अगर मैं लिखूं ट्रू और मुझे इसकी वैल्यू ऑपोजिट करनी हो तो उसके लिए मैं यूज़ करूंगी नॉट ऑपरेटर। अगर मैं ट्रू से पहले लगा दूं नॉट तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। तो नॉट ऑपरेटर किसी भी कंपैरिजन की वैल्यू को ऑपोजिट करने के लिए यूज़ होता है। तो अगर मैं लिखूं 4 इज़ ग्रेटर देन 2 तो इसका आंसर है ट्रू। लेकिन अगर मैं इस कंपैरिजन के शुरू में लगा दूं नॉट तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि नॉट ऑपरेटर किसी भी कंपैरिजन की वैल्यू ऑपोजिट करने के लिए यूज़ होता है। तो इस वीडियो में हमने इन तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स का मतलब स्टडी किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स को एक एग्जांपल के ज़रिए स्टडी करेंगे।